करेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये जो पैराग्राफ हमने कंप्लीट पढ़ा है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लें ट्रांसलेशन के लिए। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, प्रोटेस्ट का मतलब है कंप्लेन, शिकायत करना कि मैं थका हुआ आया हूँ, मैं इनकार नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, आई कुड नॉट कंप्लेन, आई कुड नॉट रिफ्यूज, मैं इनकार नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है ही डिसाइडेड, ही हैज डिसाइडेड कि उन्होंने फैसला कर लिया था, उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था काम करने के लिए। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो कोई काम करने का फैसला कर लेते, ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल, वो इसे करते अगर उन्हें इसके लिए मुशक्कत ही क्यों ना करनी पड़े। अब ये बात देखना, जो क्रॉल है डजंट मीन क्रीप, वैसे तो सिनोनिम इसके क्रीप हैं, लेकिन हमने इसके कंटेक्चुअल मीनिंग देखने हैं। ये नहीं है कि वो कोहनियों के बल जो है वो रींग रहा था, बल्कि वो इसका मतलब होता है मुशक्कत करना, जो कि एक काम मुशक्कत वाला होता है। अब इसके अंदर आपने देखना है कि हमारे पास कंडीशनल दो टाइप्स के बन सकते हैं, इफ के साथ भी बन सकता है और When के साथ भी हमारे पास कंडीशनल बन सकते हैं। तो कंडीशनल दोनों अंदाज से होते हैं, इफ भी होता है और when भी होता है, इफ हमारे पास ज्यादा यूज किया जाता है। तो वेरिएशंस भी है, देखिए कंडीशनल के अंदर ये हैड लगाया हुआ है कंडीशनल क्लॉज के अंदर, और उससे पीछे ही वुड डू लिखा हुआ है। ये क्या चीज है, हमारे पास मेन क्लॉज है जो कि हमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रही है। ही डिडंट केयर इफ इट वॉज 97 इन द शेयर और 16 बिलो जीरो, वो इस बात की परवाह ना करते चाहे साय में 97 दर्जे हो या नुक्ते अंजमात से 16 दर्जे नीचे। अब इसके मीनिंग क्या बनते हैं, वो इस बात की परवाह ना करते चाहे वो शदीद सर्दी हो चाहे वो शदीद गर्मी हो, इन तमाम चीज़ों से वो लापरवाह होते थे, अपने काम पे तवज्जो देते थे। आई वाइप मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, वाइप का मतलब वही क्लीन, मॉप, मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया, खुश किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन अ लिटिल पाथ, मैंने जैसे उनकी पीछे पैरवी की, पीछे चला, डाउन अ लिटिल पाथ, नीचे नए रास्ते पर, छोटे रास्ते पर, बिटवीन पास्टर एंड मैडो। जो लव्स पास बिटवीन होता है, बिटवीन बिटवीन क्या होता है, वो दो के दरमियान होता है, और जो अमंग होता है वो क्या होता है, मोर देन टू, अमंग जो होता है वो मोर देन टू, ये दैट इज बिटवीन एंड दैट इज अमंग। तो यहां पे लिखा हुआ है बिटवीन, यानी बिटवीन से मरा यहां पे दो के मीनिंग में आ रहा है, बिटवीन द पास्टर एंड मैडो। पास्टर भी आप कह सकते हैं कि चरागाह, और मैडो कहते हैं सरसब्ज खेत। इसके लिए दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, आप इसको ग्रास लैंड भी बोल सकते हैं, ग्रीन लैंड भी बोल सकते हैं, और ग्रीन फील्ड भी बोल सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो मैंने छोटे रास्ते पर चरागाह और सब्जाजार के दरमियान उनकी पैरवी की। सडनली अचानक ही स्टॉप एट द एज ऑफ द मैडो, अचानक वो एक चरागाह के किनारे रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट अपनी जेब से, एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। विस्प क्या होता है, दैट इज बंच, दैट इज बंच, इसको बोलते हैं बंच, गुच्छा या गट्ठा, और फसफसा लूसन हमारे यहाँ पाया जाता है, घास पाया जाता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, उसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो काफ़ी दफ़ा जो है ना वो एक दफ़ा उगा दें तो 3-4-5 दफ़ा जो है ना वो दोबारा उगता रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है वो। तो फसफसा का एक गुच्छा, एक गट्ठा काटा। ही हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द सन, उसने इसे अपने और सूरज के दरमियान थाम लिया। अब एक और बात याद रखें, जो बिटवीन है, एक बिटवीन तो दो के दरमियान है, लेकिन बिटवीन के बाद एक बात हमें हमारे जहन में होनी चाहिए कि बिटवीन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का। जैसे उसने क्या यूज किया है, हिम, बिटवीन हिम, बिटवीन अस, बिटवीन देम, बिटवीन, कैसे प्लूरल जो है ना वो यूज किया जाएगा, और क्या यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा प्रोनाउन का। तो उसने अपने और सूरज के दरमियान उसे आड़ बना लिया, उसे थाम लिया, तो ये सारे मीनिंग इसके इस तरह क्लियर होते हैं। तो लुक एट दिस जेस, जेस इसे देखो,
जस इसे देखो, ही ब्रैग, ब्रैग का मतलब क्या होगा, बोस्ट, शेकी बिगाड़ना, इतराना, खुशी से जब इंसान कोई चीज़ बता रहा होता है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही होती हैं उसको ब्रैग मतलब कह सकते हैं। लुक एट दिस, जेस, जेस इसे देखो, ही ब्रैग, उसने फखरी अंदाज से कहा, उसने शेकी बिगाड़ते हुए कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फा अल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी जमीन पे इससे बेहतर फसफसा उगा हुआ देखा कहीं, इट इज द बेस्ट लुकिंग हे, हे का मतलब क्या होता है, देयर इज आल्सो ग्रास, हे क्या होता है, ये ग्रास है और घास के मीनिंग में आता है, इट इज द बेस्ट लुकिंग हे, ये सबसे बेहतरीन घास है, ये सबसे बेहतरीन घास है, बेस्ट इसने लगाया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री लगाई हुई है। और आगे कहते हैं, आव एवर सीन एनी प्लेस, कि मैंने अगर किसी जगह पे अगर घास देखा है तो ये सबसे बेहतरीन घास है, इससे इससे पहले आज तक मैंने इससे बेहतरीन घास नहीं देखा। आज सेट, मैंने कहा, आव नेवर सीन बेटर लुकिंग अल्फा अल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, बॉटम्स कहते हैं तहे, तहे, अब यहाँ पे देखें लिटिल जो है ये भी कैपिटलाइज है और सैंडी ये भी कैपिटलाइज है और रिवर ये भी क्या है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, जब आपके पास पंक्चुएशन आएगी तो आपने प्रॉपर नाउन को इसी तरह डील करना होगा, तो प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो कहते हैं कि इससे बेहतर फसफसा तो मैंने कभी लिटिल सैंडी रिवर की नशेबी इलाकों में भी नहीं देखा। आपने एक बात और नोट करनी है, जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं हमारे, इन्वर्टेड कॉमास को देखने का तरीकाकार क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच और फिर इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, इनसर्कल करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टार्ट में लगाई गई है तो फिर हमारा फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है, वो कैपिटल होता है। अगर रिपोर्टिंग बाद में आई है तो हम उसका जो पहला स्टार्टिंग वर्ड होगा, स्टार्टिंग अल्फाबेट होगा, वो स्मॉल होगा। देखिए यहाँ पे आर क्या है, ये स्मॉल है यहाँ पे। तो और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पंक्चुएशन मार्क लगाए जाएंगे, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, एक तरीकाकार तो ये है, और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा तरीकाकार क्या है कि अगर रिपोर्टिंग स्टार्ट में आ जाए तो आर कैपिटल, यानी पहला वर्ड कैपिटल, और रिपोर्टेड बाद में आए तो कॉमा आप पहले पुट करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास पुट करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही जो भी पंक्चुएशन मार्क होगा उसको पुट करेंगे, और ये देखें जो रिपोर्टेड बाद में आई हुई है उसका आर कैपिटल है, इससे मुराद क्या है कि वो रिपोर्टेड स्पीच कैपिटलाइज्ड होगी स्टार्ट में। उसके बाद अगर दो, थर्ड वन हमारे पास क्या है कि स्टार्ट में अगर रिपोर्टेड आ जाए तो पहले तो आप रिपोर्टेड को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज करें, फिर उसको कैपिटलाइज करें और कॉमा उसका जो है वो अंदर पुट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर रिपोर्टिंग स्पीच का आर स्मॉल लगाएंगे, यानी ये स्मॉल से स्टार्ट होगा, और फिर हमारे पास कॉमा आ जाएगा, फिर दूसरी अगर रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच है तो फिर इसका आर स्मॉल होगा और इन्वर्टेड कॉमास हम लगा देंगे और पंक्चुएशन मार्क कोई भी होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। ये रिपोर्टेड स्पीच तब तक स्मॉल रहेगी जब तक यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन नहीं आता, और ये भी तब तक स्मॉल रहेगी जब तक यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन नहीं आता। जहाँ जहाँ प्रॉपर नाउन आते जाएंगे वहाँ हम उनको कैपिटलाइज करते जाएंगे। इसके अंदर आपने देखेंगे कि डायलॉग क्या होता है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड क्या होता है, दैट इज द डायलॉग ऑफ द पर्सन रिपोर्टेड बाय समवन, जो रिपोर्ट कर रहा होता है वो रिपोर्टिंग होती है, और जो रिपोर्टेड होता है वो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो उसका डायलॉग होता है। इससे मतलब क्या है कि इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है रिपोर्टिंग स्पीच से। तो टेंस का डिफरेंस जब आ रहा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज द डायलॉग एंड यू आर गोइंग टू पुट द इन्वर्टेड कॉमास अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, इन रूल्स के मुताबिक फिर आपको क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमास को पुट करना होता है। तो यहाँ देखते हैं कि बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है, इस स्टेटमेंट को आप मार्क भी कर लें, इट इज़ द बेस्ट लुकिंग हे से लेकर बॉटम्स तक, इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क जो है ऑलमोस्ट सारे डिस्कस किए गए हैं, कॉन्ट्रेक्शन के अंदर है, कॉमा इसके अंदर है, कॉमास इसके अंदर हैं, इन्वर्टेड कॉमास इसके अंदर हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क है और कैपिटलाइजेशन है, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। तो आगे चलते हैं, व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म एवरीबॉडी अराउंड हियर, जब मैंने ये छोटा खेत खरीदा, इर्द गिर्द हर शख्स ने कहा, आई एंड अप विद माई फैमिली, एंड अप का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, खत्म कर देना, विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म, पुअर का मतलब क्या होता है, डैमेज्ड, ठीक है, पुअर, डैमेज्ड। तो
old poor form if I try to make a living here. अब living से क्या मुराद है? Livelihood. Living से क्या मुराद है? Livelihood. Livelihood से क्या मुराद है कि अगर इसे मैंने जरिए माश बनाने की कोशिश की तो मैं अपने खानदान का काम तमाम कर बैठूंगा अगर इस तरह होता रहा काम तो. ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फखरी अंदाज से कहा, प्राउडली कहा, इट टुक मी 30 years. ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी मार्क कर लें. इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव टू बेटर. इसने मेरे 30 साल लिए, यानी इस टुकड़े ने, इस जमीन के टुकड़े ने 30 साल लिए टू बेटर, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए. दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स, वॉर्न आउट का मतलब भी इसी पुअर और डैमेज के मीनिंग में आता है. इन खस्ता हाल एकड़ों को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने मेरे 30 साल लिए. टू मेक देम डू दिस, इस काबिल बनाने के लिए, काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए इन खस्ता हाल एकड़ों ने मेरे 30 साल लिए. तो आज का लेसन, हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे हम, मैं क्लोज करने जा रहा हूँ. तो आपने इस टॉपिक को देखना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई इश्यू है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में पुट करें, एंड देन आई विल गिव यू आंसर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.